हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट, इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सेट नंबर 7 का सेक्शन डी, और इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप, जैसा कि आप जानते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल परीक्षा इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं। तो चलिए पैसेज को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हर फर्स्ट जर्नी वॉट केयरफुल, उसकी जो पहली यात्रा थी वह उसके लिए पैनस्टेकिंग एलाबोरेट प्लान्स सी हैड टू मेक फॉर इट। तो यहाँ पर उसकी जो पहली यात्रा थी इसके लिए कितनी सावधानी श्रम साध्य विस्तृत योजनाएं उसको बनानी पड़ी थी। सी हैड थ्रेफ्टी सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट टॉयज बैलून्स एंड द लाइक द फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल 60 पैसे। मतलब कि कहा जा रहा है कि पेपरमिंट खिलौने और गुब्बारे और इसी तरह की अन्य चीज़ों को खरीदने के हर प्रलोभन का विरोध करते हुए उसने रास्ते में आने वाले सभी आवारा सिक्कों को बचा लिया था। आखिरकार उसने कुल 60 पैसे बचा लिए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पार्टिकुलरली दैट दे एट द विलेज फेयर, बट सी हैड रिसोल्यूटली शिफ्टेड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो अराउंड इवन थ्रो सी हैड द मनी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, और आखिरकार उसने जब 60 पैसे जब बचाए थे, यह कितना मुश्किल था खासकर उस दिन गांव में मेले में, लेकिन उसके पास होने के बावजूद उसने मेरी गो राउंड की सवारी करने की तीव्र इच्छा को दृढ़ता से दबा दिया था। मतलब इवन दो सी हैड द मनी, मतलब पैसे बचाने के लिए उसकी जो तीव्र इच्छा थी वो गो राउंड पर बैठने की और उस पर घूमने की, उसको भी उसने दबा दिया था। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। व्हाट वाज द वलीज फर्स्ट जर्नी, तो वलीज की फर्स्ट जर्नी, पहली जर्नी क्या थी? तो वली वेंट टू टाउन इन अ बस इट वॉज हर फर्स्ट जर्नी बाई द बस सी केम बैक इन द सेम बस। वो वली की जो फर्स्ट जर्नी थी वो बस में बैठ करके अपने शहर जाना, यानी कि गांव जाना, इट वाज हर फर्स्ट, और वह उसकी पहली यात्रा थी। सी केम बैक इन द सेम बस, और वो सेम बस में वापस भी आई थी। नेक्स्ट है, व्हाट डिड सी डू टू मेक फॉर इट रियलिटी, तो उसने रियलिटी वास्तविकता के लिए उसने क्या बनाया और मतलब क्या किया? वली मेड केयरफुल एंड पैंस टेकिंग प्लान्स फॉर हर फर्स्ट जर्नी, सी सेव्ड एवरी पेनी, कट डाउन ऑन हर एक्सपेंसेस एंड रेजिस्टेड ऑल द टेम्पटेशन टू सेव 60 पैसे फॉर द फेयर। सी गैदर्ड द इंफॉर्मेशन फॉर द पैसेंजर एंड नेबर। तो यहाँ पर उसने बाद में क्या किया है नेक्स्ट में, तो वो आपको बताना है। तो वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो है, उसमें वो क्या कह रही है चलिए देख लेते हैं उसमें भी। तो उसका आंसर जो आपको करवा रहे हैं वो है आपका, यहाँ पर वली जब बैठी थी, यानी कि वली ने अपनी पहली यात्रा के लिए सावधानी पूर्वक श्रम साध्य योजनाएं बनाई थी। मतलब उसने जो योजनाएं बनाई थी वो श्रम साध्य थी, और उसने 1 पैसा बचाया, अपने खर्चे में कटौती की और किराए के 60 पैसे बचाने के सभी प्रलोभन का विरोध किया उसने, और उन्होंने यात्रियों और पड़ोसियों से जानकारी जुटाई। मतलब उसने क्या किया, उसने यात्रियों और पड़ोसी में बैठे जितने भी थे उन सभी से उसने जानकारी उसके बारे में ली, और इस तरह से उसने 60 रुपये अपने बचाए। नेक्स्ट यहाँ पर बेटा, यहाँ पर सबको बता दें कि यहाँ पर 80 शब्दों में और 60 शब्दों के बीच में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका डू इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी।
तो 20वीं शताब्दी के जो फर्स्ट डिकेड था उसमें जो अंग्रेजी ये कह लें या फिर वाइट स्किन पीपल मतलब साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, क्या हुआ था उस दिन, उसके बारे में क्या बताना है आपको, उसके बारे में आपको कुछ एक लेख देना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें आपको बताना जो है वो है कि 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था, तो उसके बारे में आपको बताना है कि 20वीं शताब्दी में जो वाइट स्किन पीपल थे अफ्रीका के वो वहाँ पर क्या करने आया और उन्होंने क्या किया, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों ने वहाँ पर क्या किया था 20वीं सदी के पहले दशक में। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया था, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी हैड द बिटर मेमोरीज ऑफ एंग्लो बोअर वार इट विटनेस द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इरेक्टिंग अ सिस्टम ऑफ रेशियल domination against the dark skin people of their own hand the system formed the basis of one of the harshest most inhuman societies the world has ever known। तो यहाँ पर इसकी हिंदी दी गई है, 20वीं सदी के पहले दशक में एंग्लो बोअर युद्ध की कड़वी यादें थी, इसके दक्षिण अफ्रीका के बारे में दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों को अपनी ही भूमि के काले रंग के लोगों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की व्यवस्था कड़ी करते हुए देखा। इस प्रणाली ने दुनिया के अब तक ज्ञात सबसे कठोर सबसे अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनाया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको करवा रहे हैं गिव द करेक्टर स्केच, तो यहाँ पर नहीं करवाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपको है सप्लीमेंट्री से, तो इसमें 30 से 40 शब्दों में अंतर मतलब उस आंसर देना है। क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द नरेटर केम आउट ऑफ द क्लाउड, व्हाट डिड ही सी, जब नरेटर जो था वो क्लाउड मतलब बादलों से बाहर जब आया तो उसने क्या देखा, तो तब उसने क्या देखा, चलिए देखते हैं। द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन व्हेन ही सा द ब्लैक क्लाउड ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, सडनली ही सा अ ब्लैक एरोप्लेन बाई हिज साइड विच हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग। तो यहाँ पर वर्णनकर्ता जो है नरेटर जो है अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज को उड़ा रहा था, जब उसने काले बादलों को देखा वह तूफान में खो गया था। अचानक उसने अपने बगल में एक काला हवाई जहाज देखा जिसके पंखों पर रोशनी भी नहीं थी। और करके क्वेश्चन दिया गया है उसको नहीं करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, व्हाट डू यू थिंक वली वाज प्लानिंग टू डू, तो आप क्या बताते हैं कि वली का प्लान जो है उसकी योजना जो थी वो क्या थी, क्या करने की थी। तो वली वाज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बाई द सेम बस, द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे एंड द राइड टुक 45 मिनट्स। इन दिस वे सी प्लान्ड दैट सी वुड बी बैक बाई 2:45 PM इफ सी टुक द बस एट द 1 PM। तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी है, वल्ली शहर जाने और फिर उसी बस से लौटने की योजना बना रही थी, एक तरफ का किराया 30 पैसे मतलब 30 पैसे था और सवारी में 45 मिनट लगते थे। इस तरह उसने योजना बनाई कि अगर वह दोपहर 1 बजे बस लेगी तो वह दोपहर 2 बजे तक वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका और करके दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। कैन यू से हाउ, क्या आप कह सकते हैं 10 मई इस एन एटमन डे इन साउथ अफ्रीका, की 10 मई जो है वो एक शरद ऋतु का दिन होता है साउथ अफ्रीका में। एज साउथ अफ्रीका इज इन द साउथर्न हेमिस्फेयर द मंथ ऑफ मे इज इन द एटम सीजन, दस द 10 मई इज एन एटम डे, चूँकि दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है
मई का महीना पतझड़ के मौसम में होता है। इस प्रकार 10 मई एक शरद ऋतु का दिन है। तो यहाँ पर आप चलते हैं, हम यहाँ पर मैचिंग करते हैं। तो लिस्ट मैचिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर मैचिंग करना है। तो चलिए मैचिंग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैचिंग आपको हम करवा दे रहे हैं। तो लिस्ट मैचिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें दिया गया है बी नंबर में वरीड, और इसमें दिया गया है विजडम। तो विजडम का मतलब होता है जो उन्नत होती है हमारी, तो इसको हम विजडम को प्रोडेंस से आपको मैच करना है। और बुल्गिंग का मतलब होता है कम आउट, उभरी हुई, तो यहाँ पर इसको इस कम आउट से मैच कर देना है। अपसेट का मतलब होता है वरीड, तो इसको वरीड से मैच कर देना है। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका क्या है वो भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपका, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, इस स्टेंजा को आपको पढ़ना है, उसके बाद में इसके नीचे दिए गए आंसर देने हैं। तो मैं डायरेक्ट ही आपको स्टेंजा ही करवा रहा हूँ। वेयर डज सी स्नर अराउंड, तो स्नर अराउंड के बारे में वो कहाँ हो रहा था, तो क्या था, चलिए देखते हैं। ही शुड बी स्नरिंग अराउंड हाउस द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइड फैंग्स हिज क्लॉज टेररिंग द विलेजेस। वह घरों के चारों ओर खर्राटे ले रहा होगा, जंगल के किनारे पर अपने सफ़ेद नुकीले पंजे अपने पंजों को छोड़कर गांव को आतंकित कर रहा है। नेक्स्ट है आपका बी नंबर, व्हाट इफेक्ट डज, क्या प्रभाव होता है इट हैव ऑन होल विलेज, उसका पूरे गांव पर, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो यहां पर इसको मैं नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, आप लोग अपने आप से भी कर सकते हैं इसको। अगर शेर जंगल में आता, मतलब वो आता है, तो उसका क्या प्रभाव होगा, तो यहाँ पर उसका इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ही बड़ा होगा, जैसे कि बेरिंग हिज वाइट फंग्स हिज क्लॉज टर्टिंग द विलेज, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, व्हाट इज इफेक्ट डज है ऑन होल विलेज, तो उसका इफ़ेक्ट जो होगा होल विलेज मतलब कंप्लीट विलेज पर क्या होगा, वेयरिंग द वाइट फंग्स एंड ट्रटिंग द विलेज, तो ट्रटिंग वो करता है मतलब टेररिंग करेगा, तो उसका इफेक्ट जो होगा वो तहस नहस कर देता है, डिस्ट्रॉय द एंड किल द वुमेंस एंड चाइल्ड ऑफ विलेज। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। गिवन द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, तो यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया करनी है, तो सेंट्रल आइडिया आपको मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर द डस्ट ऑफ स्नो की। तो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट एंड स्नो रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज दैट वन मे हैव द वर्स्ट डे और टाइम ऑफ हिज लाइफ बट अ लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग, द क्रो द हेमलॉक ट्री एंड द डस्ट आर सम बैड थिंग्स दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव दैट समथिंग wrong in going happen, the poet in the poem I think is already upset, this is why he comes out of his home to wander in the snow, but a crow sets the snowfall on him which makes him happy, the poem gives us message that one should hope for the best even in the words like negative and negative makes positive in मैथमेटिक्स, सिमिलरली इन रियल लाइफ वी कैन मेक इन्जॉय इन आवर वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी अनुवाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई कविता डस्ट एंड स्नो का केंद्रीय विचार यह है कि एक उसके जीवन का सबसे बुरा दिन था जब हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी अच्छी चीज़ इसे बना सकती है सचमुच अद्भुत। कौवा, हेमलॉक का पेड़ और धूल कुछ बुरे संकेत हैं कि आमतौर पर लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। कविता में कभी मुझे लगता है पहले से ही परेशान है, इसीलिए वह अपने से बाहर आता है, मतलब अपने घर से वो बाहर आता है बर्फ़ में घूमने के लिए घर से, तो यहाँ लेकिन एक कौवा कांपता है, मतलब वहीं पर डाली पर बैठा हुआ है, और वो क्या करता है, वो डाली को उसको सेक करता है, हिला देता है या कांपता है, और उस पर बर्फ़ गिरती है जो उसे खुश करता है। और कविता हमें यह संदेश देती है कि व्यक्ति को अच्छे में भी आशा करनी चाहिए, कि सबसे ख़राब समय में भी हमें आशा करनी चाहिए अच्छे की, जैसे कि नकारात्मक और नकारात्मक गणित में सकारात्मक बनाता है, उसी तरह
उसी तरह में वास्तविक जीवन हम अपने सबसे बुरे समय में आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर अमांडा का भी करना वो नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद में आपको 21 नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको 30 से 40 शब्दों में आंसर देने हैं। वाई वाज भोली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। तो भोली जो थी वो स्कूल जाने से क्यों घबराई हुई थी, चिंतित क्यों थी। तो भोली नेवर नोज एनीथिंग अबाउट द स्कूल व्हेन हर फादर सडनली कॉट हर बाय द हैंड सी वाज फ्राइटनेड बिकॉज सी थॉट सी वुड ऑल्सो बी सोल्ड एज हर ओल्ड काउ लक्ष्मी when she saw that she got to wear decent clothes and got well groomed, she felt that she was going to a better place than her home. तो भोली कभी भी स्कूल के बारे में कुछ नहीं उसको पता था। जब उसके पिता ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया तो वह डर गई, क्योंकि उसे लगा कि उसे भी उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी के रूप में बेचा जाएगा। जब उसने देखा कि उसे अच्छे कपड़े पहनने हैं और अच्छी तरह से तैयार हो गई होना है, तो उसे लगा कि वह अपने घर से बाहर बेहतर जगह जा रही है। और करके क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड ट्रिकी डू। तो ट्रिकी ने क्या किया, व्हेन ही सा मिस्ट्रेस, तो मिस्ट्रेस हिज मिस्ट्रेस, जब उसने अपनी मिस्ट्रेस श्रीमती जी को देखा तो उसने क्या किया, व्हेन ट्रिकी सा द मिस्ट्रेस ही टुक अ tremendous leaf off from the doctor's arms and hove into Mr. Pumphrey's lap and started licking her face. जब टिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो उसने डॉक्टर की बाहों से एक जबरदस्त छलांग लगाई और मिसेस पम्फ्रे की गोद में कूद गया और उसका चेहरा चाटने लगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है तो यहाँ पर है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज लॉसल्स हस्बैंड। तो लॉसल्स का हस्बैंड जो था वो किस प्रकार का व्यक्ति था, इन द नेकलेस मोनियर लॉसल्स इज पोर्ट्रेड एज अ केयरिंग डेडिकेट हस्बैंड हु इज विलिंग टू जियोपैराडाइज हिज फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग ही वर्क फॉर इन life to save his wife's problems. Monsieur in also subservient and naive to the extent of methods superficial nature. The necklace में महाशय लोइसेल को एक देखभाल करने वाले समर्पित पति के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपनी वित्तीय सुरक्षा और अपनी पत्नी की समस्या को हल करने के लिए जीवन में काम करने वाली हर चीज़ को खतरे में डालने के लिए तैयार है। मथिल्डे की सतही प्रकृति की सीमा तक महाशय भी अधीन और भोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करके दिया गया है, व्हाट वाज इब्राइट्स एट ग्रेड प्रोजेक्ट। तो इब्राइट का एट ग्रेड प्रोजेक्ट क्या था वो बताना है। For his at grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillar every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real result. ही सैड। अपनी आठवीं कक्षा की परियोजना के लिए एब्राइट ने एक वायरल बीमारी का कारण खोजने की कोशिश की, जो हर कुछ वर्षों में लगभग सभी सम्राट कैटरपिलर को मार देती है। एब्राइट ने सोचा कि रोग एक बीटल द्वारा किया जा सकता है। उसने भृंगों की उपस्थिति में कैटरपिलर बढ़ाने की कोशिश की, मुझे कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिला, उन्होंने कहा था। तो अब यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी आपको 60 से 80 शब्दों में आंसर देना है। तो होरेंस डेवी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। होरेंस डोनी जो थे वो बहुत ही अच्छे और सम्माननीय थे, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट इल्यूसाइटेड, और वो कम्प्लीटली मतलब पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं थे।
वो बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। हॉरेंस डेनी वाज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेंस बिकॉज ही वाज अ 50 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड मैन हु मेड लॉक्स टू अर्न हिज लिविंग। मोर ओवर ही इज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू कीप टू हेल्पर्स। ही इज अ रिस्पेक्टेबल फेलो इन द सोसाइटी। ही इज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट बिकॉज ही रॉब्स अ सेफ एवरी ईयर। ही लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। ही रॉब्स ओनली वंस ईयर। ही प्लान्स द रॉबरी केयरफुली। ही इंटेंड्स टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी विच ही मे नीड टू बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। तो ही हैज अ गुड इंटेंशन बिहाइंड रॉबिंग येट द फैक्ट दैट ही स्टोल इन अचीव दिस एंड सो दैट ही इज नॉट कम्प्लीटली अनेस्ट। ही कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ टाइपिकल थीफ बिकॉज ही डज नॉट हैव द हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग। ही ओनली स्टील द मनी दैट इज enough to buy the books. Next question आपका यहाँ पर 23 है। तो यहाँ पर complete the following sentence. तो sentence को complete करना है। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure. तो यहाँ पर pleasure आपका option number A आपका सही हो जाएगा। I had the thought of, तो यहाँ पर present हो जाएगा आपका answer, option number C. Next sentence है he also taught me to write my name. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। फिर है मिस्टर पम्फ्री रंग, तो यहाँ पर हर हैंड आपका हो जाएगा। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम्स रही होगी क्योंकि इस समय थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम्स है, तो तबीयत नहीं सही होने के कारण, तो इसलिए आपको मैं आपके मतलब एग्जाम्स कमिंग आ रहे हैं, तो इसलिए आपकी वीडियो आपकी क्लास को कंप्लीट कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।